झर के जोता टूट गए, रीढ़ की हड्डी सूदी सट लुट पड़ी, अभी तक तो करंट भी ना ली जा। 7 दिन होगा आज। लगाल में छोरी के डुक भी दिया, जब वो घबरा जब नो कह गया था यहाँ हाथ जुड़ाल में, हाथ जुड़ाल मत मारे, और यार तू रख ले मत मारे हाथ जुड़ाल है। मोर मार नहीं धमकी दे रहे मेरे ससुरा ने कही दस बार, क्या ऊपर से फेंक दो, बहुत ही जुबान करती है तुझे, ऊपर से फेंक दो, हम कुछ नहीं हो सब मारे गिरे। दौर आ रहे, रात भी दुनिया इकट्ठी होगी, मेरी छोरी ने ऐसी ऐसी किक मारियाँ, बहुत भारी नीठ दाबी है, सुई लगाई है, गोली दी है, जब दाबी है मेरी छोरी रात भी। कह तेरे 6 भाई हैं, मेरे थी एक भाई, मैं गाढ़ी लाई हूँ, जानना से ज्यादा कलेश रहे मेरी छोरी। मेवात इलाके के सुनारी गांव से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर ये है कि मिस्किना नाम की एक महिला को उनके ससुराल पक्ष के लोगों ने छत पर से धक्का मार दिया, जिसकी वजह से मिस्किना की रीढ़ की हड्डी टूट गई और रीढ़ की हड्डी के 3-4 गुटके भी निकल गए। वहीं पीड़ित परिवार का कहना यह है कि इस धक्के के बाद मिस्किना के जोता टूट गए और अब वो बिल्कुल मरे बराबर है। अभी वो फिलहाल नल्लड़ हॉस्पिटल में है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। आपकी जानकारी बता दें कि 10 साल पहले मिस्किना की शादी की और उनका ससुराल है सुनारी गांव में। इसके अलावा जो मिस्किना के माता पिता हैं वो गुंडगांव के रहने वाले हैं और गुंडवास के जो गांव है उसके रहने वाले हैं। फिलहाल मेरे साथ पीड़ित परिवार है, इनसे जानेंगे कि आखिरकार मिस्किना को छत पर से धक्का क्यों मारा गया, क्यों ससुराल पक्ष के लोग लगातार उन्हें परेशान कर रहे थे। इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। हालांकि पीड़ित परिवार इस पूरे मामले को लेकर क्या कहता है, आइए वो जानने की कोशिश करते हैं। मिस्किना की मम्मी हमारे साथ है, क्या नाम है अम्मा? मेरा नाम असगरी है, मिस्किना मेरी बेटी। अच्छा, कौन सा गाँव है आपका? गुंडवास। गुंडवास है। अच्छा असगरी, ये बताइए कि आपकी जो बेटी को मार रहे हैं, कौन लोग हैं जो मार रहे हैं, किसने धक्का मारा आपकी बेटी को? भाई एक तो है दौरानी और एक है फुफसास और एक है धनी और एक ददसास और कहना में पड़ोसी लू मिले गाड़ी। अब जानना सुनिए लड़की लू इतने तांत रहे वहाँ, तेरे बाप 6 भाई ने कसना दियो, मोलू गाड़ी दे या 3 लाख रुपए ला। अब मेरी लड़की मोलू तो बताती रही भाई आलू, मैंने नू ना बताई, मैंने खामो खाखी हाँ ना बताई, मेरी लड़की मोई सुध बतला माँ मोलू दुख है और ऐसे नक्कस प्या दिए घोड़ के कहता नू कह दे मेरे बच्चे माई मैं जाऊं 10 दिन मेरे घर ना ठहरे, लत्ता कपड़ा बना के और आप ही 3 व्हीलर करके मैं खुद कर काऊं। कई बार पंचायत भी जोड़ जोड़ के है, बेटी मान जा कोई बात ना। अब मोसू तो सारी बात ने कह गई, अब इन भैयान सुतना कही जा रही। सच कहा बता कर रही बेटी आपकी? बेटी क्या बोले? बेटी बता कर रही मामो ना राखसा, मो मारे हाँ मो मारा ना, मेरे 4 बच्चे में इसके मार जाऊं, नहीं मैं तो घर ना चाहूं मैं तो। अब ये 4 बच्चे इनके मारे तो मैं कोई बात ना चाहिए, माई मो मारा था छेड़ मो घर तो बसाणो अपनो। वो तो बिचारी हम मोसू भी पस गया, अपने चली जावे अपने घर लू। अच्छा। और बका बका के बुलावे फोन अंसु अकाजा खुदा के वास्ते, अब ना कह तो उसमें कुछ भी और मैं लड़की से लड़ाई फिर भी मोल फिरा पड़ जावे। अच्छा। अब मेरे 4 बच्चे हैं, मैं जान दे मोए वहां ने कदीस बिचारी नू ना कही एक मैं अपने घर ना चाहूं। अच्छा, तो धक्का किसने मारा, कहां से धक्का मारा? धक्का मारा छत पे सु कहते रहे, एक तो कक ससू छो सास है, सास है, ससुर है, आदमी है, कई हाँ 5 लोग। अच्छा, छत पे धक्का मार दिया? हाँ छत पे धक्का मारो। फिर कहाँ कहाँ लगी? वाके जोता टूट गए और कहा नाम रीढ़ की हड्डी से ना खड़े हो जा, 9 दिन आज वहाँ खाए हो गए, आज 9 दिन टूक मांगो, टूक मांगो, मैं हाथ जुड़ाल मैं भूखी हूँ, मैं रोटी दे दे, मैं तो सीम पका खाई ना दियो। अच्छा, ससुराल वालों ने? हाँ, और वह ने खाली सीमी पकी पकाई, मेरी लड़की ने सीमी भी ना दी नहीं। अच्छा। वो तो 8-9 दिन आके तो भूखी है, 7 दिन तो आज हुआ गया और 2 दिन 3 दिन हूँ भूखी, मार दी यार कहे नहीं। अच्छा, अब आप क्या चाहती हैं बताओ? भाई हम तो इंसाफ चाहा। बहुत ज्यादा दुखी हैं आप लोग? हम तो बहुत ज्यादा, बालकन को रहा रास्ता लग जा, फैसलो तो अभी तक है ही कहा, जब वो बिचारी मरे बराबर जन मरेगी बचेगी, फैसलो तो हमारे उनको जब है
अभी कहा फैसलो, हम तो नूदानवा बराबर लुटा दियो। अच्छा हाँ, मैं तो नूदानवा बराबर सुहा दियो सरकार से। हाँ, हम तो सरकार से इंसाफ चाह। हम बहुत दुखे, मेरे तो एतबार भी ना करे ये बालक है, फिर भी मैं इनसे ना कहे डर के मार। मन की बाप तो है ना भाई, हम माँ बेटी तो हर तरह की बात बतला सके, भाई तो ना बतला सका। मोस कहवे बिचारी अपन, मैं तो काई बात कहवे का ये ना कहवे। मेरी लड़की गैल बहुत बुरो करो, ऐसो काई के गैल ना करो होएगो। जो छत पे से धनी ने धक्का मार दे तीन चार, मेरी के ये भी तोड़ दिए दे, ये भी पेट में से खून और जा रहे, पेट में से खून जा रहे। मैं कपड़ा दिखा दू वो धर। चलिए हमारे साथ मिस्किना के भाई हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शाकिर है। शाकिर, अच्छा ये बताइए कि जब दहेज के लिए आपकी बहन को परेशान किया जा रहा था, तो आप लोगों ने वहाँ के लोगों से बात नहीं की, आपने पंचायत नहीं की, क्या हुआ था? जनाब ये अब के तीसरी बार हमारे साथ ये हादसा हुआ है। अब से पहले भी दो बार मुकदमा हमने तावड़ू सदर थाना और खोरी चौकी, अब से डेढ़ साल पहले भी बहुत बड़ी बात हुई थी, उसको भी हमें पंचायत ने आश्वासन देकर उस लड़की का घर हमने बसवाया कि भाई कोई बात नहीं है, इसको समझौता बुझा करके भेज दो। पंचायत ने हमें यकीन दिलाया कि भाई घर बस जाएगा, भाई छोटी मोटी बातों पे मत लगो। उस ये तीसरी बार अब कि ये हादसा हुआ है, तीसरी बार में तो ये हद ही हो गई है कि उसको उसकी जब रीढ़ की हड्डी टूट गई तो फिर रहा क्या इंसान के पास, उसको वो तो डैमेज है उसकी, तो ऐसे समझ के ऑन द स्पॉट जैसे मौत हो गई, क्योंकि वो किसी काबिल नहीं है। अब उसके चार बच्चे हैं, उनका क्या किया जाए या उनके लिए कुछ, भाई माँ तो छिन गई उनसे। अच्छा कैसे पता लगा तुम्हें एक बहन धक्का मार दिया है? हमारे पास ये दो तीन घंटे पहले से कॉल आई हमारी बहन की, भाई तुम जल्दी आ जाओ, और मेरे साथ ऐसे ऐसे मारपीट हो रही है। उसके बावजूद जैसे हम तो दूरी पे थे, अब करीब होते तो उड़ के पहुंच जाए। तो फिर मैंने 112 नंबर पे कॉल किया कि ऐसे ऐसे फला गांव में, सुनारी गांव में, और हमारी बहन के साथ ये सब हो रहा है। तो वो तुरंत वहां से पुलिस पहुंची, पुलिस मौके से थोड़ी पहुंचने से पहले ही उन्होंने उसको धक्का मारा, और पुलिस को वहां पहुंचना था और वो हादसा होना था उसी टाइम, फिर पुलिस उसको उठा के लेके आई। पुलिस नहीं, पुलिस वालों ने उनको तावड़ू CHC में भर्ती कराया और हमारे लिए कॉल किया कि तुम्हारी सिस्टर फिलहाल यहाँ पे है। हम गांव भी नहीं पहुँचे, हम तो CHC पहुँचे। वहाँ पे आके देखा कि गांव के कुछ लोग थे सुनारी गांव से, और उनके परिवार वाले थे, और पुलिस वहाँ से जा चुकी थी। जब तक उसको एडमिट करने के बाद मेरे को पुलिस मेरे को मिले जनाब, और उन्होंने मेरे को बताया भाई तुम्हारी सिस्टर को यहाँ हमने भर्ती कर दिया है, बाकी आगे का मामला तुम देख लो। वो उनके सुनारी गांव से वहाँ आ गए। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ देखता हूँ कि उन्होंने रजिस्टर में मतलब लड़की के साइन करा रहे थे, लड़की को होश नहीं, और उसको रजिस्टर में लिखवा के कि भाई हम मैं आगे कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहती, ये सब लिखवा के उसके अंगूठा लगवाने वाले थे। जैसे मैं वहाँ पहुँचा, भाई ये क्या करा रहे हो? वहाँ मेरी उनकी बातम बता भी हुई जो सही है, और इस दौरान फिर मैंने SHO साहब को इंचार्ज खोरी चौकी इंचार्ज साहब को कॉल किया, वो वहाँ मौके पर पहुँचे, फिर वो सुनारी गांव वाले वो सब वहाँ से निकल लिए। वहाँ उसके बाद वो लड़की किसने अब तक मिलने भी नहीं आया कोई भी कि भाई ये आया। एक उसका कोई फुफसास है, कल आए थे शायद, बाकी कोई उनसे मिलने भी नहीं है, किसी ने उसकी कोई राजी खुशी। अच्छा, मतलब कि लड़की की रीढ़ की हड्डी टूट गई, लड़की की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग कोई भी उन्हें देखने के लिए नहीं आए, किस हालत में? कोई नहीं आया। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहें जी जनाब, इसमें इंसाफ हो हमारे साथ, प्रशासन हमारा साथ दे, जो दोषी हैं उनको अरेस्ट करे, और हम तो बस यही चाहें जी कि बच्चों के लिए भी कुछ आश्वासन हो और इनके लिए सजा दिए जाए सख्त से सख्त। आगे से जो बिल्कुल हमारे साथ तो हुआ सुहा, किसी और के साथ ना हो, ये बहुत जरूरी है कि दोषियों को जल्द से जल्द पुलिस अरेस्ट करे और उनको सजा दी जाए, क्योंकि ये मेरा एक का मामला नहीं है, बड़ा गंभीर मामला है। हाँ। चलिए कुछ बताना चाहते हैं इसके बारे में? हमारे सरपंच साहब हैं। अच्छा, गांव के? जी। अच्छा सरपंच साहब, ये बताइए कि आप गांव के मुखिया हैं, आपके गांव के लोग के साथ में इस तरीके की घटना घट रही है, आप लोगों ने कभी बात नहीं की उन लोगों से? बात की थी जी, कई बार पंचायत जा चुकी है, वहाँ पंचायत में यही आश्वासन दिया था कि अब हुआ यहाँ से आगे कोई ऐसी बात नहीं होगी,
यही सोच के मगर लड़की का घर बसा रहेगा, यही सोच के हम पंचायत में फैसला करके बार बार वहाँ से आते रहे। अब उन्होंने हद ही कर दी, ये काफ़ी टाइम से लड़की परेशान थी। अब यही है कि जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और प्रशासन हमारा साथ दे, और हम प्रशासन से और सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि हमारे साथ न्याय किया जाए। चलिए, ये हैं पीड़ित परिवार के लोग। इनका कहना ये है कि ससुराल पक्ष के लोग पति ने छत पे से चढ़ कर के अपनी पत्नी मिशकिना को धक्का मार दिया, और जिसके बाद मिशकिना की जो रीढ़ की हड्डी है वो टूट गई है, उसके 3-4 गुटके निकल गए हैं, उनके जोता टूट गए हैं, और अब वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है, बहुत ज़्यादा सीरियस है, और उन्हें नल्लड़ हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया हुआ है। पीड़ित परिवार का मानना यह है कि इस पूरे मामले में तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए, और जल्द से जल्द कार्रवाई करके जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, उनको पकड़ा जाना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। आपको कसने धक्का दिया आपको? यार 5 मिनट सर बना मारी पे 2-3 तक मार पुटी करी, फिर ने बोला मौसम 3 लाख रुपए लगा और बहन की शादी कर रहे थे, क्या लिख रहे हैं। मैंने मारे फोन कर माँ बोली बेटे ने कहाँ से लाया 3 लाख रुपये, इन्होंने धमकी दी तो जान से मारेंगे नहीं लाएगी तू। मैंने कही मैंने कहा नहीं हमारे पास रुपये नहीं, ये बयान करेगी सारी बात बयान करेगी, इस छत तो वैसे नहीं चुकाएंगे, मैं फैंग लिखे मैं किसी ने खा ली, फिर मैंने कही तू टैंग नहीं है तू हाथ यार भाई ने कुछ नहीं दिया, गाड़ी ना दी तेरे भाई ने, कहा दे तेरे भाई ने कुछ नहीं दिया, भांडी टूट गया बाप के। हाँ भाई से भाई खत्म हो गया। क्या बच्चे हैं आपके? यार 4 बच्चे हैं, 2 लड़का है 2 लड़की है। कितने दिन से परेशान कर रहे आप? भाई मैं 10 साल से परेशान है, 10 साल। अरे हम राजी खुशी में हो गए ही ना भाई, सदर पर मैंने भैया ने बताई नहीं, मैंने अपना 4 बच्चे हैं, मैं तो दूसरे घर में ही कर भाई से कही एक से मैं बिगाड़ रहे भाई मोर मार नहीं धमकी दे रहे, मेरे ससुरा ने कही 10 बार आके ऊपर से फेंक दो, बहुत ही जुबान करती है तुझे ऊपर से फेंक दो, हम कुछ नहीं हो सब मेरे बिना।